नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। तो आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है पूरी तरह से उस पक्षी पर जो पिछले दिनों यूपी में बड़ी चर्चा में बना हुआ था। जी हाँ, सही समझा आपने, वो पक्षी है सारस। तो ये जो सारस पक्षी होते हैं ये जोड़ों में रहने वाले पौराणिक और एक आकर्षक जीव होते हैं। यूपी के एटा, इटावा, मैनपुरी और औरैया जिले में सारस बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, पर प्रदेश में इनके लिए कोई विशिष्ट स्थान आरक्षित नहीं है जहां पर इन पक्षियों के संवर्धन और संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा सके और साथ ही पर्यावरण से जोड़कर इनके व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जा सके। इसलिए वन प्रभाग ने औरैया के अछलदा रेंज को केंद्र मानते हुए आसपास के एरिया को प्रदेश के पहले सारस केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और औरैया की अछलदा रेंज और आसपास के इलाके में सारसों की गणना करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अछलदा रेंज में अब तक 869 सारस मिल चुके हैं। हालांकि इसके अलावा वन प्रभाग की औरैया रेंज, अजीतमल और विधुना रेंज में भी सारस अच्छी खासी मात्रा में है। इस वजह से इन जगहों पर भी सारस की गणना के निर्देश दिए जा चुके हैं ताकि वहां सारस केंद्र बनाने के औचित्य के साथ रिपोर्ट शासन को भी भेजी जा सके। बताते, भारत में आज भी सारस को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं ये पक्षी हमेशा जोड़े बनाकर रहता है। एक बार जोड़ा टूटने पर ये वापस कभी जोड़ा नहीं बनाता और अपने साथी के वियोग में अपने प्राण भी दे देता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे पहले ग्रंथ रामायण की पहली कविता का श्रेय सारस पक्षी को जाता है। रामायण की शुरुआत एक प्रणयरत सारस युगल के वर्णन से होती है। सुबह सुबह महर्षि वाल्मीकि इन पक्षियों के जोड़े को देख रहे होते हैं कि तभी एक आखेटक इस जोड़े में से एक की हत्या कर देता है। जोड़े का दूसरा पक्षी इसके वियोग में प्राण दे देता है। ऋषि उस आखेटक को श्राप देते हैं और दुनिया के पहले संस्कृत श्लोक की रचना यहीं पर होती है। आज भी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड और असम जैसे कुछ राज्यों में पाई जाने वाली गोंड जनजाति के लोग सारस को पवित्र मानते हैं। और तो और, गोंड जनजाति के लोग इसी पक्षी को पांच देवताओं के उपासक के रूप में भी पूजते हैं। इसके अलावा कई जगहों जैसे गुजरात में नवविवाहित जोड़े के लिए सारस युगल का दर्शन करना जरूरी परंपरा की तरह माना जाता है। मालूम हो, सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है जिसकी लंबाई 152 से 156 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर का होता है। सारस पक्षी का मुंह लाल, सिर और ऊपरी गर्दन भूरे रंग की, तो वहीं इसके पैर हल्के लाल रंग के होते हैं। इसका प्रजनन काल मानसून के मौसम में भारी बारिश के दौरान होता है। ये मुख्य रूप से भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में इसकी आबादी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। भारत में सारस की संख्या अब तक 15,000 से 20,000 के आसपास है। भारत में भी ये पक्षी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में आमतौर पर वेटलैंड यानी कि दलदली भूमि में पाए जाते हैं। हालांकि भारत में भी देखा जाए तो इनकी कुल संख्या के 60% सारस हमारे यूपी में पाए जाते हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा भी दिया गया है। सारस क्रेन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है और इनकी घटती हुई संख्या को देखते हुए इन्हें IUCN रेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है और इसकी वर्तमान संरक्षण स्थिति को स्क्रीन पर दिए हुए कोड के द्वारा निरूपित किया गया है। इसका अर्थ ये है कि वैश्विक स्तर पर इस पक्षी की संख्या में तेजी से कमी आ रही है और अगर इसकी सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किए गए तो ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में सारस पक्षी की ये जाति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। भारतवर्ष में भी कथित रूप से विकसित स्थानों से अधिकांश स्थानों पर सारस पक्षी विलुप्त प्राय हो चुके हैं। इसकी घटती हुई संख्या के कारण कई हैं, जिसमें खेती के लिए कम होती जमीन, सिमटते जंगल, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग और हम इंसानों की बढ़ती आबादी इसके मुख्य कारण हैं। हालांकि तेजी से बदलता पर्यावरण और दुनिया में बढ़ता हुआ प्रदूषण भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा खेतों और सड़कों से निकलने वाले बिजली के तारों से भी इनको बहुत बड़ा खतरा होता है। इसके अलावा इनके शिकार, अंडों और चूजों की तस्करी के भी प्रमाण सामने आए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की कुछ जनजातियां इनका शिकार करती हैं। एक तरह से कहा जाए तो इंसानों का बढ़ता हुआ लोभ इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सारस पक्षियों की घटती हुई संख्या इस बात का प्रतीक है कि अब हमारे पर्यावरण और समाज में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।